तो क्या स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड केविन ओवेंस के बीच हमें प्रॉपर फाइट देखने को मिलेगी रेसलमेनिया 38 में? जॉन सीना की जरूरत अब WWE को नहीं है और उन्हें रेसलमेनिया में भी नहीं आना चाहिए। इसके अलावा गाइज रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच की लेटेस्ट एंड फ्रेश बैटिंग ऑड्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो में काफी अपडेट्स होंगी, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो गाइज सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से। तो आप सब जानते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रेसलमेनिया में आने वाले हैं, जहां पर वो स्पेशल गेस्ट होंगे केविन ओवेंस के शो पर। और रिसेंटली केविन ओवेंस पर बात करते हुए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं पूरी तरीके से तैयारी कर रहा हूँ शेप में आने की और केविन ओवेंस के एज को मैं बुक करने वाला हूँ एट रेसलमेनिया 38। और उन्होंने कहा कि अगर केविन ओवेंस अगर थोड़े टाइम पहले मुझे उकसाता तो उसके लिए सही रहता, क्योंकि मैं और ज़्यादा ट्रेनिंग करके आता और उसकी अकल ठिकाने लगाता। लेकिन अभी भी मामला बिगड़ा नहीं है और मैं रेसलमेनिया में केविन ओवेंस को सबक सिखाने वाला हूँ। और गाइस जिस तरीके से केविन ओवेंस के खिलाफ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बातें कर रहे हैं, देखकर ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया में सिर्फ इनका कोई सेगमेंट नहीं होगा जहाँ पर एक दो तीन स्टनर पड़ेंगे, बल्कि हमें प्रॉपर फाइट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड केविन ओवेंस के बीच देखने को मिल सकती है। तो फिर देखते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रेसलमेनिया में क्या कुछ बड़ा धमाका करते हैं। अब गाइज हम बात करते हैं रेसलमेनिया के बड़े रिटर्न्स के बारे में। तो आप सब जानते हैं रेसलमेनिया से पहले हमें देखने को मिलेगी हॉल ऑफ फेम सेरेमनी, जहां पर अंडरटेकर को इंडक्ट किया जाएगा हॉल ऑफ फेम में। और गाइज यहां पर आपको केन भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गाइज बटिस्टा पर भी अपडेट है। आप सब जानते हैं बटिस्टा को पहले हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने जाने वाले थे WWE वाले, लेकिन यहां पर कोविड की वजह से चीज़ें पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं और अब माना जा रहा है बटिस्टा को नेक्स्ट ईयर हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाएगा। लेकिन गाइज अच्छी बात है कि इस साल होने वाली हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के दौरान बटिस्टा भी वहाँ मौजूद होंगे और हमें काफ़ी देर बाद बटिस्टा किसी WWE शो में भी नज़र आने वाले हैं। अब गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर से। तो गाइज आप सब जानते हैं पिछले कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताए थे रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच के बैटिंग ऑड्स, जहां पर गाइज ब्रॉक लेसनर को फेवरेट बताया जा रहा था। लेकिन गाइज अब मामला पलट चुका है, क्योंकि करंटली फेवरेट अगर मैं आपको बताऊं तो वो है रोमन रेंस, और बैटिंग ऑड्स के हिसाब से रेसलमेनिया में जीतने वाले हैं रोमन रेंस। हालांकि गाइज अभी रेसलमेनिया होने में कुछ हफ्ते बाकी हैं, तो हो सकता है तब तक बैटिंग ऑड्स में मामला पलट जाए। लेकिन गाइज अभी मैं आपको बता दूं काफ़ी क्लोज मामला है, लेकिन रोमन रेंस ही फेवरेट हैं। अब गाइज हम चलते हैं लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है जॉन सीना से। तो गाइज रिसेंटली रिक फ्लेयर ने जॉन सीना के बारे में काफ़ी बड़ी बातें कही हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि WWE को मुझे लगता नहीं कि जॉन सीना की ज़रूरत है टिकट्स बिकवाने में, क्योंकि अब WWE जॉन सीना के भी बिना आगे बढ़ सकती है, और अगर जॉन सीना रेसलमेनिया में नहीं आते तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जॉन सीना की रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे जॉन सीना काफ़ी पसंद है और रेसलमेनिया में अगर वो आता तो मुझे भी काफ़ी मज़ा आता, लेकिन जॉन सीना अभी एक्टिंग करियर में काफ़ी ज़्यादा बिजी है और हॉलीवुड में अगर आप पूरी कमिटमेंट दे दो तो आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी हो जाता है, इस वजह से जॉन सीना WWE में नहीं आएंगे। लेकिन भाई उनके आने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन पर्सनली मैं बताऊँ, मेरे हिसाब से अगर जॉन सीना WWE में आते तो डेफिनेटली WWE को काफ़ी फ़ायदा होता ही है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी देखा था जब समर स्लैम के दौरान जब जॉन सीना WWE में आए थे तो WWE के लाइव इवेंट्स की टिकट सेलिंग काफ़ी अच्छी हो रही थी, और इससे पता चलता है कि भाई जॉन सीना की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और वो WWE को काफ़ी फ़ायदा करवाते। लेकिन अभी जॉन सीना बिजी है इसलिए वो रेसलमेनिया में देखने को नहीं मिले, लेकिन मुझे लगता है जॉन सीना अगर रेसलमेनिया में आते तो डेफिनेटली फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा हो जाती। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके हिसाब से WWE को जॉन सीना की ज़रूरत है या फिर नहीं। और गाइज बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज इस वीडियो को लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना, और साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।